मनुष्य कहा जाता है मनु की औलाद। द प्रोजेनी ऑफ मनु इज कॉल्ड ह्यूमन बीइंग्स मनुष्य। मनु अर्थात ब्रह्मा। मनु मीन्स ब्रह्मा। जिसको मन है बहुत चलायमान। द वन हु हैज अ वेरी इनकॉन्स्टेंट माइंड। और मनु की औलाद कहे गए मनुष्य। एंड द प्रोजेनी ऑफ मनु वर कॉल्ड ह्यूमन बीइंग्स। जब मनु को मन है तो मनु की जो औलाद होगी उसका भी मन जरूर चलायमान होता होगा। When Manu has a mind, the mind of Manu's progeny will also be inconstant. तो जिनका जिनका मन चलायमान है वो मनुष्य विकारी हुए या निर्विकारी हुए? विकारी हुए। So all those whose mind is inconstant are those human beings vicious or viceless? They are vicious. तो इसलिए मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। This is why a human being can't be called God. फिर किसे कहा जा सकता है भगवान? Then whom can you call God? निराकार जब साकार में आए। जिसका मन अपने पूरे कंट्रोल में हो। The one whose mind is in complete control. यूं कहें कि बुद्धि ही पूरी 100% काम करती हो। It can be said that only his intellect works 100%. मन के चलायमान होने की बात ही नहीं। There is no question of the mind being inconstant at all. उसको कहेंगे भगवान। He will be called God. और जिसके मन है, मन चंचल है, तो उसे भगवान नहीं कहा जा सकता। And the one who has a mind and it is inconstant, he can't be called God. देवताओं को भी भगवान नहीं कहा जा सकता। Deities can't be called God either. क्यों? Why? उनका मन तो चंचल नहीं होता। Their mind certainly doesn't become inconstant. है? देवताओं को इसलिए भगवान नहीं कहा जा सकता कि वो उत्तरोत्तर सब नीचे गिरते रहते। Deities can't be called God because all of them fall gradually. भगवान कभी गिरती कला में नहीं जाता। God never has descending celestial degrees. भगवान तो एक ही निराकार है। God is only the one who is incorporeal. क्यों? Why? आत्माएं सब निराकार नहीं है? Aren't all the souls incorporeal? है तो आत्माएं भी तो निराकार है। साकार चल लेते आत्माएं। The souls too are incorporeal. Student, they take on a corporeal body. साकारी चोला लेती है, भगवान भी साकारी चोला लेता है। They take on a corporeal body. God also takes on a corporeal body. लेकिन वो अंतिम समय पूरे 84 जन्म के बाद नहीं। Student, but he takes on the body in the end, after the 84 births. No. वो देवहान में नहीं है, निराकारी स्टेज में है। He isn't body conscious. He is in the incorporeal stage. माने है तो वो भी बिंदु। It means he too is a point. सुप्रीम सोल भी बिंदु है। द सुप्रीम सोल इज ऑल्सो अ पॉइंट। आत्माएं भी जो भी है मनुष्य मात्र सब बिंदु है। ऑल द सोल्स द ह्यूमन बीइंग्स आर पॉइंट्स। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब सबकी आत्मा बिंदु है। द सोल्स ऑफ ऑल इंसेक्ट्स स्पाइडर्स एनिमल्स एंड बर्ड्स आर पॉइंट्स। लेकिन अंतर क्या है? बट व्हाट इज द डिफरेंस? उनको देह का भान नहीं, देह की आकर्षण नहीं। He doesn't have body consciousness. He doesn't have attraction for the body. किनको? भगवान। Who? God. उनका कोई भी साकारी व आकारी रूप नहीं कहा जा सकता। He can't be said to have any corporeal or subtle form. इसलिए कन्नड़ मुरली में कहा है। This is why it has been said in a Kannada Murli. साकार को भी भगवान नहीं कहेंगे। The corporeal one won't be called God. निराकार को भी नहीं कहेंगे। The incorporeal one won't be called that. आकारी को भी भगवान नहीं कहेंगे। The subtle one won't be called God either. फिर किसे कहेंगे? Then who will be called God? इसी मुरली का अनुवाद होगा कन्नड़ में। There will be the translation of this very Murli in Kannada language. उसका कोई भी साकारी वा आकारी रूप नहीं है। He doesn't have any corporeal or subtle form.
वो आत्मा साकार रूप धारण नहीं करती। That soul doesn't take on a corporeal form. और सूक्ष्म शरीर भी धारण नहीं करती। It doesn't take on a subtle body either. सूक्ष्म शरीर तो वो धारण करते हैं जिनकी अकाले मौत होती है। Those who have an untimely death take on a subtle body. भगवान की तो अकाले मौत होने की बात नहीं है ही नहीं। There is no question of God having an untimely death at all. सूक्ष्म वतन वासियों को सूक्ष्म आकार है। The residents of the subtle world have a subtle form. भगवान को सूक्ष्म आकार भी नहीं। God doesn't even have a subtle form. और सूक्ष्म वतन में आता ही नहीं। He doesn't go to the subtle world at all. कहाँ आता है? Where does he go? वो तो साकार सृष्टि पर आता है। To the corporeal world. साकार तन में प्रवेश करता है। He enters a corporeal body.